माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है इनका वाहन वृषभ है इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है मां को सफेद पुष्प और सफेद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं यह देवी प्रथम दुर्गा है यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी एक मार्मिक कहानी है एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया लेकिन भगवान शंकर को नहीं सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है लेकिन उन्हें नहीं ऐसे में वहां जाना उचित नहीं सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे इससे सती को क्लेश पहुंचा वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैल पुत्री कहलाई शैल पुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ शैल पुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी इनका महत्व और इनकी शक्ति अनंत है पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। मां के पहले रूप की आराधना से सभी मनोकामना पूर्ण होती है मां पुत्री की पूजा षडोपचार विधि से की जाती है इनकी पूजा में सभी नदियों तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है नवरात्र के पहले दिन से लेकर नवमे दिन तक घर में कपूर जलाना चाहिए मां पुत्री को प्रसन्न करने का मंत्र है वंदे वंशित लाभ चंद्रार्दिकृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम, शैलपुत्री यशस्वनीं